श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे इस होली पर आपको 22 टोटके बताएंगे जो आप होली के कर सकते हैं। देखिए, तांत्रिक क्रियाओं की दृष्टि से होली का दिन विशिष्ट माना गया है। अभी तंत्र के अभिचार कर्म का प्रयोग करने के लिए विशिष्ट खास करके माना जाता है। होली की सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर उत्तर दिशा के मुंह करके बैठ जाइए। आप सामने किसी बर्तन में 4 लघु नारियल और 7 लग्न मंडप सुपारी को स्थापित करें। आप कुमकुम चावल से पूजा करके धूप दीप करें और घी का दीपक जलाएं। जब तक जब चले तब तक दीपक जलते रहना चाहिए। अब पीली सरसों के दाने उस बर्तन में छिड़कते हुए मंत्र का जाप करें। क्लेम हौ छिपह ओम स्वाहा, क्लेम हौ छिपह ओम स्वाहा। जब कम से कम 1 घंटा तक कीजिए। अब शाम को होलिका दहन के वक्त उस सामग्री को आटे में लोई में लपेट कर होलिका में डाल दीजिए। शीघ्र ही आपकी सारी समस्या पूरी हो जाएगी। तो हम आपको बहुत सारे टोटके बता रहे हैं। देखिए, आप अपने ऊपर कौन सा इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो पूरा आप पे डिपेंड है। हम आपको 22-23 चीज़ें बताने वाले हैं इस पूरी वीडियो में, तो कोशिश कीजिएगा आप पूरा पढ़ें कि कौन सा कहाँ पे आपका इम्प्लीमेंट होगा पता नहीं। पूर्णिमा को होली दहन के दिन रात्रि में चांदी के पात्र में कच्चा दूध डालकर पति पत्नी चंद्रमा को अर्ध अवश्य दें। इसे पति पत्नी के संबंधों में प्रगाढ़ता आती है। होलिका दहन के बाद रात में वहां से आग लाकर उसे घर में गोबर के कंडे जलाकर उसमें नारियल की गिरी और गेहूं की बालियां भूनकर खानी चाहिए। इसे धन यश और निरोगता की प्राप्ति होती है। होली के दिन होलिका की राख लाकर उसकी स्याही बनाकर लोहे की कील या सिलाई से एक साफ सफेद कागज पर अपना मुकदमा नंबर और शत्रु का नाम लिखकर दोबारा जाकर होलिका में डाल दीजिए और हाथ जोड़कर मनी मन अपने विजय की प्रार्थना करें। आपको अवश्य सफलता मिलेगी। ध्यान रहे, ये क्रिया बिल्कुल चुपचाप करना है। होली वाले दिन प्रातः 1 एकाक्षी नारियल लेकर उसमें सिंदूर धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर उसे लाल वस्त्र में बांधकर माता लक्ष्मी से अपने यहाँ वास करने की प्रार्थना करते हुए उस नारियल को अपने व्यवसाय स्थल पर रखें। व्यवसाय आपका दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से बढ़ेगा। दूसरा उपाय, अगर लाख प्रयास के बाद भी आपका अगर व्यापार नहीं बढ़ रहा है तो होलिका दहन से 1 दिन पहले फिटकरी के 6 टुकड़े अपनी दुकान कार्यालय में छोड़ दें और अगले दिन उन्हें लेकर होलिका दहन के समय कपूर और किसी अनाज के साथ चुपचाप जलती हुई होलिका में डाल दीजिए। आपके कारोबार को किसी की नज़र नहीं लगेगी। अगर नज़र लगी तो उतर जाएगी और कारोबार फलना फूलना शुरू हो जाएगा। होली के दिन प्रातः से ही किसी भी ऐसे व्यक्ति से जिसका आपका मनमुटाव हो कोई भी वस्तु जैसे पान, इलायची, लौंग, मिठाई आदि नहीं लें। इस दिन यथासंभव अपना सर भी ढककर रखें। होली वाले दिन पूरे दिन अपनी जेब में किसी काले रुमाल या काले कपड़े में काले तिल बांध कर रखें। रात को उसे जल्दी होलिका में डाल दें। इससे यदि पहले से भी किसी ने कोई टोटका किया होगा तो समाप्त हो जाएगा। होली के दिन लोग दूसरों के अहित के लिए टोने टोटके बहुत करते हैं और इसके लिए सफ़ेद खाद्य पदार्थों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। इसलिए होलिका दहन वाले दिन सफ़ेद खाद्य पदार्थों का सेवन यथासंभव नहीं करना चाहिए। होली पर अपने घर पर आने वाले सभी मेहमानों को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाना चाहिए, ऐसे नहीं वापस भेजना चाहिए। इससे भाग्य प्रबल होता है और घर में अस्थाई लक्ष्मी का वास होता है। होली में आपस में बैर भाव मिटाकर खुद पहल करके दुश्मनों से भी रंग खेलकर सभी से साफ मन से गले मिलना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन पहल करके शत्रुता भुलाने से वर्ष भर आपके शत्रु आपसे पराजित होते रहेंगे। होली पर रंग सभी व्यक्तियों को जरूरी खेलना चाहिए। इससे घर परिवार में प्रेम सौहार्द और सुख का वास होता है। होली पर सबसे पहले ईश्वर को और फिर घर के बड़े बुजुर्गों को रंग लगाकर
उनसे आशीर्वाद लेकर ही रंग खेलना शुरू करना चाहिए। होलिका दहन के बाद उसकी थोड़ी भस्म जरूर लाएं। उसका टीका किसी महत्वपूर्ण कार्य में जाते हुए पुरुष अपने मस्तिष्क पर और स्त्री अपने गर्दन में लगाएं। कार्य में सफलता मिलेगी और धन संपत्ति में वृद्धि होगी। होली के दिन जिस दिन रंग खेलते हैं उस दिन सुबह स्नान के बाद लाल गुलाल लेकर सबसे पहले घर के मंदिर में देवी देवताओं की मूर्ति और चित्र पर लगाएं। फिर इस गुलाल के खुले पैकेट में एक चांदी का एक सिक्का रखकर उसे नए लाल कपड़े में कलवा से बांधकर अपनी तिजोरी में रखकर धन लाभ होगा और धन रुकने भी लगेगा। होली के दिन रात्रि के 12 बजे के बाद पीपल के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाना चाहिए एवं हाथ में सफेद तिल लेकर पीपल की 7 परिक्रमा करके धीरे धीरे इन तिलों को छोड़ते जाएं। इसके बाद बिना पीपल को छुए प्रणाम करके पीछे देखे बिना ही वापस घर आ जाएं। ऐसा करने से शीघ्र ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिस दिन होली चलनी हो उस दिन सुबह एक साबुत पान पर साबुत सुपारी एवं हल्दी की गांठ रखकर किसी भी मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाएं और भगवान शिव से योग जीवन साथी के लिए प्रार्थना करें। फिर प्रणाम करके वापस आ जाएं। पीछे मुड़कर ना देखें। यह प्रयोग लगातार 7 दिन तक करें। इससे अतिशीघ्र विवाह होने की संभावना ही बढ़ जाती है। होलिका दहन के दिन घर के मुखिया की होलिका में घी से भिगोई हुई 2 लौंग, 1 बतासा और 1 पान का पत्ता भी अवश्य चढ़ाना चाहिए। तत्पश्चात होली की 3 परिक्रमा करते हुए होली में सूखे नारियल की आहुति देनी चाहिए। इससे न केवल सभी कष्ट दूर होते हैं वरन घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है। होलिका दहन में घर के सभी सदस्यों को अवश्य शामिल होना चाहिए। होलिका दहन में चना, मटर, गेहूं, बालियां या अलसी आदि जलते हुए अग्नि की 3-7 परिक्रमा करें। इससे घर में शुभता आती है। हर व्यक्ति होलिका में थोड़ा थोड़ा कपूर भी अवश्य डालें। इससे बहुत फायदा होता है। जो कीटाणु होते हैं आसपास वो मर जाते हैं। यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके विरुद्ध कोई टोटका कर रखा है तो होली की रात में जहां होलिका दहन हो रहा हो उस जगह पर एक गड्ढा खोदकर उसमें 11 अभिमंत्रित कौड़ियां दबा दें। अगले दिन कौड़ियों को निकालकर अपने घर की मिट्टी के साथ नीले कपड़े में बांधकर बहते जल में प्रवाहित कर दें। जो भी तंत्र क्रिया आप पर किसी ने किया होगा वो तंत्र क्रिया नष्ट हो जाएगा। यदि आपका व्यवसाय मशीनों से संबंधित है तो आप काली हल्दी को पीसकर केसर और गंगाजल मिलाकर होली के दिन मशीन पर स्वास्तिक बना दें। स्वास्तिक ये उपाय करने से मशीन व्यवसाय के लिए शुभ होती है और परेशान नहीं करती है। होली के दिन पीले वस्त्रों में काली हल्दी के साथ एक चांदी का सिक्का रखकर धन रखने के स्थान पर रख देने से वर्ष भर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। यदि आपके व्यवसाय में लगातार गिरावट आ रही है तो होली के दिन पीले कपड़े में काली हल्दी, 11 गोमती चक्र, चांदी का सिक्का और 11 कौड़ियां बांधकर 108 दफा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके होली की 11 बार परिक्रमा करें। बाद में पीछे मुड़कर नहीं देखते हुए सीधे घर में प्रवेश करें और धन रखने के स्थान पर समस्त सामग्री एक साथ रख दें। इस प्रयोग से व्यवसाय में जबरदस्त वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। और हमने आपको अभी तक के 9.5 मिनट में टोटल 22 टोटके बताए हैं। उसमें कौन सा टोटका आप करना चाहते हैं यह पूर्णतः आप पर निर्भर करता है कि आप किस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मेरा फर्ज था आपको टोटके सारे बताने और मैंने आपको 22 टोटके बता दिए। तो अभी इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगा तो, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करने का आपको पूर्ण अधिकार है। और अगर कुछ पूछना हुआ तो वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स होता है उस कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। यदि मुझे उन प्रश्नों का उत्तर पता होगा तो हम आपको अवश्य जवाब देंगे। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें
और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।